बोलबम बोलबम। तो आज हमारा कांवर यात्रा का दूसरा दिन है और अभी सुबह का 4 बज रहा है, हम लोग यात्रा शुरू कर दिए हैं। कल रुक गए थे, ज़्यादा थकावट हो गया था और अभी फिर से चालू है। तो गैस जैसे कि आप सब देख रहे हैं, आज हम लोग का दूसरा दिन है और हम लोग जल्दी जाना है, इसके कारण आज हम लोग जल्दी ही यात्रा अपना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग पूरा फ्रेश होकर नहा धोहा के निकल पड़े हैं बाबा के दरबार के लिए। वो बड़े भैया आगे आगे चल रहे हैं और यहाँ बहुत ही ज़्यादा कवाड़िया सब है, सब कोई अपना सफ़र स्टार्ट कर दिए हैं। अब गाइस देख सकते हैं हल्का हल्का बारिश भी हो रही है, यहाँ पर हल्का हल्का बारिश होती है गाइस, तो चलने में बहुत अच्छा लगता है। और बने रहिए और कुछ अलग अलग जैसे पता चलता है तो हम आप लोग अपडेट देते रहते हैं। कैसा लग रहा है बम? बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा आनंद आ रहा है गाइस, पूरा आनंद देख सकते हैं। एकदम पानी पूरा एकदम ऊपर तक है, एकदम मस्त लग रहा है। हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी हम लोग जिलेबिया मोड़ पार्क कर लिए हैं और अभी एकदम मस्त एकदम हवा एकदम ठंडा ठंडा चल रहा है और अभी हम लोग और यात्रा अभी बढ़ते हैं, अपना यात्रा करते हैं। तो यहाँ पर आग कैसा लगा और दिखाते हैं आपको, अभी चलते हैं, उसके बाद थोड़ा देर बाद नाश्ता उश्ता करते हैं। सुबह से चल रहे हैं, भूख भी लग रहा है। तो दोस्तों बहुत मज़ा आया नाचने में, पूरा पैर हाथ का दर्द हट गया। ये लोग तो जल्दी जल्दी चल रहा है। नाचने में कैसा लगा पिंटू? नाचने में बहुत मज़ा लगा गाइस, जगह जगह पे ऐसा व्यवस्था किया गया है, बहुत अच्छा लगता है जब अपना भोजपुरी। आपको कैसा लगा भैया? भैया तो पूरा एकदम हिल हिल के नाचे हैं, भक्तजनों का पूरा लुप्त उठाए हैं। दोस्तों अभी हम लोग पूरा सीढ़ी चढ़ रहे हैं, बहुत चढ़ाई है, बहुत जा दे चढ़ाई है। दोस्त इतना ऊपर आए हैं अभी। बोल बम
बोलबम बाबा एक सहारा है, बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव। तो दोस्तों अभी हम लोग नहाऊ वाली है, कहीं खाना उना खाए थे तो, और अभी हम लोग फिर से अपना यात्रा शुरू करते हैं। और चल अभी कावर उठाते हैं और अभी चलते हैं। कावर स्टैंड ऐसा रखा जाता है क्योंकि हर जगह जहाँ जहाँ रुकने का साधन है, खाने पीने का, सब जगह ऐसा रखा गया, क्योंकि जल उठाने के बाद इसे डायरेक्ट क्या बोलते हैं, जल उठाने के बाद कहीं नहीं रखना पड़ता, बस ऐसे ही टांगना पड़ता है और डायरेक्ट बाबा धाम में जाके चढ़ाया जाता है। तो अभी हम लोग उठाते हैं, देख लीजिए अभी क्या का प्रोसेस है। तो ऐसा क्षमा मांगा जाता है ताकि कोई गलती उलती हो तो माफ करे। अभी हम लोग अपना यात्रा फिर से चालू कर दिए हैं और अभी चलते हैं जल्दी जल्दी। अभी एक बज रहा है, 1:00 हुआ है, तो अभी जल्दी जल्दी जाते हैं और आज ज़्यादा कवर करना है डिस्टेंस, ताकि कल थोड़ा कम बचे और जल्दी पहुंच जाए हम लोग, और फिर परसों को यानी मंडे जल धार देना है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहाड़ है, पहाड़ पूरा एकदम पहाड़ से चढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो उतर रहे हैं और इधर देख सकते हैं एकदम मस्त है, पेड़ उड़ पूरा मस्त लग रहा है। अब बहुत मजा आ रहा है एकदम। बहुत मस्त सीन है इधर, अभी इधर जंगली जंगल पार होना है, मस्त अभी अच्छा लग रहा है। गाइस यहाँ निःशुल्क भोजन मिल रहा है, ऐसा बहुत जगह है। अभी रुके हुए हैं और यहाँ कुछ चीज़ का कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है, खाना पीना सब फ्री मिल रहा है, और वो भी खाना बहुत टेस्टी है। खाना मिला खीर और चना आलू का सब्जी और हलवा। और अभी मेरा पैर दर्द दे रहा है चल चल के, तो मेरा भाई मसाज उसाज दबा उबा दे रहा है। बहुत शुक्रिया, तुमको पुण्य मिलेगा, तभी से मसाज उसाज चिपवाते हैं, उसके बाद आगे का फिर थोड़ा आराम करने के बाद यात्रा चालू हो जाएगा। और हम लोग अभी जहाँ आराम करने के लिए रुके हैं, देख सकते कितना मस्त सुविधा है, चारों तरफ सामने सामने एकदम पंखा है पूरे, और एकदम सारा चीज बहुत अच्छा मिल रहा है, वो भी बिल्कुल मुफ्त और बहुत ही अच्छा और सारा व्यवस्था है। लोग आप देख सकते हैं ये बड़ा सा पंडाल लगाया गया है आम कंवरियों के लिए, सुरक्षा के लिए। यहाँ पर भोजन मुफ्त मिल रहा था और यहाँ पर मसाज उसाज भी मुफ्त किया जा रहा है, कंवरियों का मदद किया जा रहा है, जो संकट में उसको दवा भी दिया जा रहा है। यह बका का एक छोटा सा गांव है जहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है कुमारियों के लिए। हम लोग चलते हैं नहाने, हम लोग खाना खाएं, इसलिए हम लोग को नहाना पड़ेगा, नहा रहे हैं मेरे भाई, अब अभी हम लोग भी नहाएंगे, नहा रहा है और संदीप भैया, इसके बाद मैं भी जाऊंगा नहाने। तब तक के लिए आप देखते रहिए।
प्राणियों में विश्व का गौ माता की, गौ माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता की बोलिए हर हर महादेव। गाइस नॉन स्टॉप चले अभी 2 घंटा, पैर का हालत बहुत खराब था और अभी जाके रुके हैं। दोस्तों अभी 8 बजने वाला है और हम लोग आज रात सामाजिक कावरिया धर्मशाला में रुकने वाले हैं और बहुत ही अच्छा देख सकते हैं एकदम सारा चीज है। तभी भी हम लोग अपना कावर रखते हैं। देख सकते हैं पूरा मस्त साफ सुथरा है पूरा। तभी हम लोग भी अपना बिछाते हैं सारा चीज़।